आ सकेट में ये जब से ये खुला है मैं रोज देखता था क्योंकि प्रयास अकेडमी है। कभी प्रयास अकेडमी के संचालक लोग संचालक आपके हमारे बहुत प्रिय साथी फुटबॉल खिलाड़ी तिल्लू गौरी शंकर यादव जी हम लोग साथ में खेलते थे, मगर मेरे को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा बढ़िया प्रयास अकेडमी बना के यहाँ पे इतना बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। मैं सचमुच में आज आप लोगों के बीच में आके इस प्रयास अकेडमी के इस पवित्र स्थल में आके बस सचमुच में बहुत आनंदित हूँ, खुशी हूँ कि मेरे आसपास के सब बच्चे लोगों ने इतना बढ़िया एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में और सारे बच्चों लोग बुला के एक बढ़िया इस क्षेत्र को एक नया नाम देने जो उन्होंने आप लोगों ने जो प्रयास किए हैं नाम भी बहुत सुंदर है। मैं भगवान से बहुत विनती करूंगा कि आपके प्रयास को पंख दें। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सम्मानी हमारे लाडले चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव जी, कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे अयोध्या भारद्वाज जी अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हैं, राम कुमार यादव जी के मठ हवाले गोपाल राम कुमार यादव प्रताप चंद्रा जी और मेरे साथ में आए हुए मेरे सभी साथी लोग और इस प्रयास अकेडमी के सभी प्रिय मेरे साथी, मैं बहुत कम शब्दों में आप लोगों को संबोधन खत्म करना चाहूँगा। हमारे विधायक महोदय और बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया आप लोगों ने जो एक संस्था बना हुआ है प्रयास, उस प्रयास में आप लोगों ने जो प्रयास करी है वो सचमुच में सराहनीय है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको यहाँ से जो एक मोटिवेशन मिलता है, आप लोग यहाँ पे आके बैठ के एक दूसरे से सीखते हैं, अपनी कमियों को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उस कमियों को दूसरे के साथ शेयर करके अपने स्टूडेंट लोग साथ में अपने शिक्षक लोग यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे आदरणीय शर्मा जी हैं, आदरणीय हमारे सर जो बता रहे थे, हमारे डायरेक्टर गौरी शंकर यादव जी, आप लोगों को जो भी बताते हैं उनके साथ में आप जो शेयर करते हैं अपने मन की झिझक को, हम बाहर कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं चाहे एस एस सी कॉम्पिटिशन में जाए, चाहे एस सी जी आर्म फोर्स के कॉम्पिटिशन में जाए, चाहे शिक्षा करने के कंपटीशन में जाए, जो मन में एक झिझक होता है कंप्यूटर के बीच में वो यहाँ पे आप आके जो एक छोटा सा एक कमरे में जो आप ये जो माहौल जो बना कर रखे हैं ये सचमुच में सराहनीय है। आप लोग ये सब चीज़ करके किसी भी घर में ये ऐसा हो नहीं सकता कि हम घर में अपने बच्चों को समझा सकें नहीं बेटा तू जा बिलासपुर में और यहाँ पे एक अच्छा ट्यूशन पढ़ और कोचिंग अटेंड कर, वहाँ पे अकेले रह रह के वो उसके भीतर जो झिझक होता है जो लोगों के साथ में बैठ के जो अपने झिझक को अपने कमियों को दूर नहीं कर पाता, ये हमारे इस जगह में मालखरौदा जैसे जगह में ये एक लोग आप लोगों ने एक संस्था खोल दी प्रयास अकेडमी। हर प्रकार के स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं और जिस सब्जेक्ट में उन लोग आगे पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे उस सब्जेक्ट में आप लोग जो मार्गदर्शन देते हैं मार्गदर्शन लेते हैं, मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये जो संस्था है आप लोग प्रयास है। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि सफलता बेटा उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं, जिनके भीतर में जिनके पेट में एक आग होती है कि मेरे को हर हालत में एनी हाउ आई हैव टू किल दिस, एक गोल तय करिए कि मेरे को इस जगह में जाना है, चाहे वो लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हो, कोई बड़े कोई माने नहीं रखता, कोई आदमी गरीब है कितने छोटे घर से आता है कितने बड़े घर से आता है कितने गरीब घर से आता है उसके घर पर लाइट है कि नहीं पंखा है कि नहीं कूलर है, ये कोई माने नहीं रखता, माने रखता है आपका प्रयास आपकी मेहनत आपका एक जुनून। अगर आपके भीतर में आपके पेट में एक आग है कि मेरे को हर हालत में चाहे मेरे को आज खाना ना मिले रोटी ना मिले दिन भर खाना नहीं मिले मगर ये मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करके इतना सब्जेक्ट इतना चीज है मैं उसको आज क्लियर करूंगा, मेरा एक फंडा क्लियर कराऊंगा उसके बाद ही आज खाना खाऊंगा, खाना भी नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, अगर ये आपने तय कर लिया
कि मेरे को एक गोल तय कर, गोल जो देख लिया, जो लक्ष्य बना लिया हूँ, उसको हर हालत में मेरे को छू कर रखना है, उसको हासिल करना है, तो कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। मैं आपको एक बता दूं, चाहे वो गरीब घर का लड़का रहे, चाहे अमीर घर का लड़का रहे, हर एक घर में कुछ न कुछ परेशानियां हैं। किसी घर में कोर्ट कचहरी है, किसी घर में घर का मुसलमाना है, किसी पड़ोस के साथ झगड़ा है, किसी के साथ में और कुछ कुछ है, घर में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में परेशानियां ना हो, जिसके माँ बाप के साथ में कोई परेशानी ना हो। आपके घर में यहाँ पे आपके भाई रहते हैं, आप चाचा मामा ताई जितने साथ में भी आप लोग रहते हैं, यहाँ पे आपके साथ में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। उन परेशानियों को कैसे दरकिनार करना है और आपको लक्ष्य जो आपने एक बना कर रखा है उस लक्ष्य में कैसे आपको जाना है, आप सबके सब सुने होंगे। अर्जुन को उसके गुरु बोलते हैं कि उस पेड़ में जो तोता बैठा है उसकी आंख में निशाना लगाना है। अर्जुन बोलते हैं ठीक है, मैं निशाना लगाऊंगा। बोले देखो, बोले दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोले तोते का आंख दिख रहा है। बोले तोता दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है। ऐसा कभी होता है कि तोते के केवल आंख ही दिखे, मतलब तोता ना दिखे, हरा हरा अगल बगल में पेड़ का पत्ता ना दिखे? इसी को बोला जाता है एक लक्ष्य, जिस पर जो लक्ष्य है वही चीज दिखना चाहिए, कोई दूसरा ना दिखे। अगल बगल में आपका क्या क्या, आपके जो परेशानियां हैं, आपको अभी दुनिया में बहुत प्रकार के आपके भीतर में जो मन को भटकाने वाली चीजें हैं, सबसे बड़ी बड़ी चीज तो आपके जेब में रहता है मोबाइल, आप उससे दूर रहो। फेसबुक मोबाइल, फेसबुक और क्या कहते हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल के बच्चे लोगों को भटकाती हैं। आप अगर लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो मोबाइल का कम से कम उपयोग करो। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसके घर में सारे संपन्न परिवार है, उसके तीन लड़के हैं, दो लड़के IIT में हैं, एक लड़का स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में है, मगर अपने घर में लोग मोबाइल नहीं रखते, लगते हैं तो छोटा टिकटॉक एक दो तीन चार बटन हो सकते हैं। आप लोग बोले IIT के स्टूडेंट है, क्या रखते हैं मोबाइल नहीं रखते, बाहर में रखते हैं, घर में नहीं रखते, घर में इस्तेमाल ही नहीं करते, उनके घर उसके पिताजी का रूल है, मेरे घर में कोई ये स्मार्टफोन नहीं रहेगा। वो इसी ये जो उनका जो एक घर का एक जो नियम था वो शुरू से रहा है कि बच्चे लोग, इसीलिए बच्चे लोग मोबाइल फोन से स्मार्टफोन